नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद बोरिया न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। प्रदेश में आए दिन दबंगई सरेआम देखने को मिल जाती है और ऐसे लोग सड़कों पर अक्सर बेखौफ ही नजर आते हैं। मामला सोनीपत के गीता भवन चौक का है, जहां होमगार्ड के जवान की दादागिरी की सीसीटीवी वीडियो सामने आई है। दरअसल ई रिक्शा चालक सड़क से गुजर रहा था, वहां चौक पर खड़े एक होमगार्ड ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन वह नहीं रुका। होमगार्ड उसकी रिक्शा के पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। उसने पहले तो सड़क पर उसके साथ मारपीट की और गाली गलौज की और बाद में गीता भवन के टॉयलेट में ले जाकर बुरी तरह पीटा। सड़क पर गुजरने के दौरान होमगार्ड के जवान द्वारा ई रिक्शा चालक को पीटने का सीसीटीवी भी सामने आया है। पीड़ित ई रिक्शा चालक ने न्याय की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दी है। संजय, कहाँ रहते हो? अच्छा बताओ, किस तरह से क्या हुआ था, सच बोलो। मैं सर आ रहा था शनि मंदिर की तरफ से और रोड में इधर देखो थोड़ा खड़ा था और मैं सीधे निकल गया उस साइड को हलवाई की दुकान के सामने रोक दिया गाड़ी, जाके रोका नहीं वहाँ से मेरे को, जब निकल क्रॉस पूरी रोड पार करने के बाद वहाँ मुझे पकड़ लिया। फिर मेरे को चाबी पंप खींच लिया, चाबी खींचने के बाद फिर मेरा कॉलर पकड़ के पीछे झींक लिया, तो जो पीछे बैठने वाला होता है रिक्शे का वो भी टूट गया है और प्लस मेरे को यहीं मारा दो थापड़, यहाँ से ले गया उठा के लाइटिंग घर में बंद डाल दिया। वहाँ भी कह रहा तू ऐसा कुटता हो निकल, देखो नीचे धसका के कह रहा था ऐसा हो कि क्यों इनसे मार रहा था यहाँ से। शिकायत दे दी पुलिस में? हाँ कर दी सर। पीड़ित युवक की शिकायत के बाद वरिष्ठ अधिकारी भी हरकत में आए हैं और सीसीटीवी को देखने के बाद डीएसपी सतीश ने इस मामले में कहा कि पीड़ित युवक ने उनको लिखित में शिकायत दी है। इस मामले को लेकर जांच करवाई जाएगी, अगर होमगार्ड का जवान दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। का मामला सामने आया, क्या कहना चाहते हो? देखिए मेरे पास अभी इन्होंने कंप्लेंट करी है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा, जांच में जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी होमगार्ड के जवानों द्वारा सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों के अलावा दूसरे ई रिक्शा चालकों से भी बदतमीजी और मारपीट के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन होमगार्ड के जवान हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।